कल की ओटीटी पे रिलीज हुई और मार्केट में फिर से हंगामा हो गया। मूवी जब थिएटर में रिलीज हुई थी तो काफी लोगों की ये कंप्लेन थी कि मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्ट्रेची है एंड शायद इसीलिए मूवी को ओटीटी के लिए री एडिट किया गया है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ियां भी हो गई हैं। इंटरेस्टिंगली मूवी के थिएटरिकल वर्जन में एंड ओटीटी वर्जन में पूरे 25+ चेंजेस किए गए हैं जो मैंने नोट किए हैं सीन बाय सीन। तो वो सब क्या है, वो सही है या गलत है एंड उन सब के पीछे डायरेक्टर की क्या इंटेंशन रही होगी, ये सब हम इस वीडियो जानने वाले हैं। मैं सही बता रहा हूं, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चेंज नंबर वन, मूवी के स्टार्टिंग में ही जब महाभारत वाला पोर्शन खत्म होता है और हम स्क्रीन पे कुरुक्षेत्र वॉर के 6000 साल बाद की दुनिया पहली बार देखते हैं, तब उससे ठीक पहले थिएट्रिकल वर्जन में हमें रेबल वीरन एंड मरियम के बीच की एक ऑफ स्क्रीन कन्वर्सेशन सुनने को मिलती है, जहां पे वीरन मरियम को ये अपडेट दे रहा होता है कि वो लोग बॉम्बे वाली वॉर भी हार गए हैं। तो ये वाली जो कन्वर्सेशन है ये ओटीटी वर्जन से पूरी तरह से कट कर दी गई है एंड मूवी डायरेक्ट विजुअल से ही शुरू होती है। इसको ट्रिम किया गया मूवी की पेसिंग टाइट रखने के लिए, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि ये ऑडियो क्लिप मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग को स्टार्टिंग में ही एक ऑफ स्क्रीन आइडेंटिटी प्रदान कर रही थी। ये अच्छी स्टार्टिंग थी मॉडर्न इरा की, इसको ना ही ट्रिम करते तो बेटर रहता। चेंज नंबर टू, जब हमें काशी का फर्स्ट सीन देखने को मिलता है जहां क्रेन नाम का ये बाउंटी हंटर इस बूढ़े आदमी से काशी के भगवान भैरव के बारे में बात कर रहा होता है, वहां क्रेन का एक डायलॉग था कि इस बूढ़े के तो कॉम्प्लेक्स से 10 यूनिट भी नहीं मिलेंगे, और इस बूढ़े आदमी का डायलॉग था कि ये मूर्ति बचपन में मेरे दादाजी ने दी थी। ये दोनों डायलॉग्स इस कन्वर्सेशन से ट्रिम आउट कर दिए गए हैं। चेंज नंबर थ्री, फिर जब बाउंटी हंटर क्रेन इन सब औरतों को यहाँ पे चेक करवा रहा होता है फर्टिलिटी रीजन की वजह से, तो इस सीन को भी ट्रिम किया गया है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर अधेड़ उम्र की लेडी को चेक करने का शॉट हटा दिया गया है, जिसके पीछे मे बी रीजन ये हो सकता है कि वो दिखने में अधेड़ उम्र की ही थी, तो मे बी उसको फर्टिलिटी टेस्ट के लिए चेक करना वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा, इसलिए शायद उसको हटा दिया। चेंज नंबर फोर, फिर यहाँ जब कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पहली बार खुलते हैं मूवी में और हमें पहली बार कमांडर मानस दिखाई देता है, यहाँ पे मानस के लैंड करने से पहले रूमी एंड दिव्या के कैरेक्टर्स के अलावा बाकी की जो जनता है उसके भी रिएक्शंस थे थिएट्रिकल वर्जन में, जिनको ओटीटी वर्जन से हटा दिया गया है। यहाँ फोकस केवल रूमी एंड दिव्या पे ही रखा गया है। चेंज नंबर फाइव, फिर यहाँ पे मानस की एंट्री से पहले हमें उसके सेबर टू टाइगर की एंट्री देखने को मिलती है जब वो रूमी के ऊपर अटैक करता है, तब यहाँ पे मानस का एक डायलॉग है जो वो रूमी से कहता है कि गन्स एंड लेजर्स से ज्यादा मजा ये ओल्ड फैशन किलिंग में ही आता है, जहाँ पे मानस शिकार को अपने सेबर टू टाइगर से मरवाने के बारे में पॉइंट आउट कर रहा था। तो ये वाला डायलॉग इस सीन से कट कर दिया गया है। इवन इसी सीन में आगे चल के मानस का एक और डायलॉग था इसी डायलॉग से कनेक्टेड, जब वो दिव्या एंड रूमी को अपने लेजर से मारने के बाद बोलता है कि कभी कभी लेजर से ही बेस्ट होती हैं। ये वाला डायलॉग भी कट कर दिया गया है ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्रीवियस डायलॉग से ही कनेक्टेड था एंड आई पर्सनली थिंक कि ये डायलॉग्स कट नहीं करने चाहिए थे। भले ही आपने स्क्रीन प्ले को टाइट करने के चक्कर में इनको कट किया हो, बट ये डायलॉग्स मानस के कैरेक्टर को एक डेप्थ प्रोवाइड करा रहे थे कि मानस जो ऑन स्क्रीन हमें थोड़ा कॉमिक कैरेक्टर लगता है वो अंदर से काफी ब्रूटल भी है, उसको सामने वाले को अपने जानवर से धीरे धीरे मरवाने में मजा आता है। वेल, मानस के ये डायलॉग सीन में इस सेबर टू टाइगर के होने को भी बेटर जस्टिफाई कर रहे थे। चेंज नंबर सिक्स, इसके बाद जब मूवी में भैरवा का इंट्रो आता है तब इस सीन में भी मेजर चंक्स कट किए गए हैं, जिसको लेकर काफी लोगों की मेजर कंप्लेंट थी कि मूवी में फैन सर्विस के नाम पे भैरवा के इंट्रो को ज्यादा लंबा खींचा गया है। तो इस पूरे सीक्वेंस में से दो शॉट्स ऐसे कट किए गए हैं जिनको अलग से मेंशन करना जरूरी था। एक तो इस बूढ़ी अम्मा का ये पान लगाने वाला जो शॉट था उसको कट किया गया है, हालांकि बूढ़ी अम्मा के कुछ एक दो शॉट्स सीन में हैं बट पान वाले नहीं हैं, और साथ ही भैरवा का उस पान को खाना भी हटा दिया गया है। कुल मिलाकर इस सीन से पान के पत्ते के सारे ही रेफरेंस हटा दिए गए हैं एंड आई थिंक ये मे बी उसी रीजन से हो सकता है जो DDC के पॉडकास्ट में मोहित भाई और हम सब ने मिलकर डिस्कस किया था कि अगर मूवी के इस डिस्टोपियन फ्यूचर में सब कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स के कब्जे में ही हैं और नीचे जमीन पे कुछ नेचुरल उगता ही नहीं है तो फिर बुढ़िया के पास पान कहां से आया, जहां पे ये भी थ्योरी दी गई थी कि मे बी बुढ़िया ने पान कॉम्प्लेक्स से खरीदा हो बट बुढ़िया की आर्थिक स्थिति देख के लग नहीं रहा था कि वो इतनी यूनिट्स जमा कर सकती है कि एक पान खरीद सके कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि जहां एक अंडा 5000 यूनिट्स का मिलता है वहां पान भी कम से कम 2000 यूनिट्स का तो आएगा ही, तो बुढ़िया अफोर्ड कैसे करेगी इतना सब कुछ। तो डायरेक्टर साहब ने इस पान वाले एंगल को ही सीन से हटा दिया है, ना रहेगा बांस
ना बजेगी बांसुरी। सीन नंबर 7, दूसरा जो इम्पोर्टेंट शॉट इस सीन से कट किया गया है वो ये कि हम यहाँ एक बाउंटी हंटर के हाथ में एक रेड कलर का वेपन देख सकते हैं जो कि एग्जीक्यूट होने पे सुदर्शन चक्र जैसा फील देता है। तो मूवी के थिएट्रिकल कट में एक पॉइंट पे ये बाउंटी उस चक्र का अटैक भैरवा पे करता है और भैरवा उस वेपन को अपनी रिस्ट पे भी धारण करता है कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन ओटीटी वर्जन में ये शॉट गायब है, जिसके पीछे मुझे एक बड़ा कारण समझ आ रहा है जो कि हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मूवी में सैन डिएगो कॉमिक कॉन की टाइटल अनाउंसमेंट ग्लिम्स के रिलीज होने के बाद रीशूट्स के जरिए मेजर चेंजेस किए गए हैं और वहां पे भैरवा के कल्कि बनने वाले एंगल को हटा के उसको कर्ण वाले एंगल पे शिफ्ट किया गया है। डिटेल्स के लिए ये वाली वीडियो देख लेना। तो इस चक्र को जब भैरवा अपने हाथ पे धारण करता है तो ये एक रेफरेंस था भैरवा के कल्कि होने का, जिसको अब ओटीटी वर्जन से रिमूव कर दिया गया है। ये क्यों किया गया ये आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, कमेंट्स में बता देना। वेल, इन दोनों मेजर चेंजेस के अलावा भैरवा के इस इंट्रो फाइट सीक्वेंस से और भी बहुत सारे शॉट्स कट किए गए हैं जिनका सोल पर्पस सिर्फ सीन की पेसिंग को टाइट रखना ही था। उन्हें मैं यहाँ रैपिड फायर स्टाइल में बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे सीन के लिए। बुज्जी का बाउंटी हंटर क्रेन के सामने भैरवा की तारीफ में उसी को मेंढक कह के बुलाना और भैरवा का बुज्जी से यह कहना कि तुम्हारे बिल्डअप से ज्यादा इनकी गालियां अच्छी हैं। फिर क्रेन का भैरवा की किसी बात पे यह कहना कि जोक मारा मेंढक ने। भैरवा का अपने शूज को चेक करते टाइम नीचे देखने वाला एक शॉट गायब है। भैरवा जब इन दोनों जुड़वा भाइयों को पेलता है तब इनमें से एक को गिरा के उसको यह कहता है कि हेलमेट सेव्स लाइफ। भैरवा का इन दोनों से ये कहना कि तुम दोनों भाई हो क्या। यहाँ इस वीआर पॉइंट पे भैरवा का इन दोनों जुड़वा भाइयों में से एक को पंच मारने वाला एक शॉट गायब है। जिस रेबल की 5000 यूनिट के चक्कर में भैरवा दूसरे बाउंटी हंटर से भिड़ रहा था उस बाउंटी रेबल का ऊपर भागने वाला एक शॉट गायब है। तो ये सारे शॉट्स मेनली भैरवा के इंट्रो फाइट सीक्वेंस से गायब है। सीन नंबर 15, इसके बाद एक मेजर सीन रिप्लेसमेंट है जो कि सही भी है और नहीं भी। लेट मी टेल यू भाई, भैरवा की इंट्रो फाइट के बाद थिएट्रिकल वर्जन में सीधा काउंसलर बानी का इंट्रो आता है जहां पे रेडर्स को गांडीव मिलता है जमीन में खुदाई के वक्त। वहां पे शॉट उसी हिसाब से लिए गए थे कि गांडीव के साथ ही साथ काउंसलर बानी का इंट्रो भी हो सके ऑडियंस के साथ, लेकिन ओटीटी वर्जन में इस सीन को यहां से कट कर दिया गया है और इस शॉट की प्लेसमेंट रखी गई है भैरवा एंड रॉक्सी के कॉम्प्लेक्स में घुसने वाले सॉन्ग के बाद। अब देखो, टेक्निकली ये सीन वहां पे भी प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, सही लग रहा है, लेकिन इस सीन की ओरिजिनल प्लेसमेंट हिलने से काउंसलर बानी का इंट्रो थोड़ा फीका पड़ गया है, क्योंकि अब हमें बानी का इंट्रो मिलता है सीधा इस वाले सीन में जहां पे कमांडर मानस एंड प्रोजेक्ट के हेड साइंटिस्ट को काउंसलर बानी सुप्रीम यास्किन के पास ले जा रहा होता है। बट चूंकि ये सीन ओरिजिनली काउंसलर बानी के इंट्रो के तौर पे शूट नहीं किया गया था तो इसको शूट करते टाइम वैसा ट्रीटमेंट भी नहीं मिला इंट्रो वाला, तो ओटीटी वाली मूवी ऐसे ही बानी को डायरेक्ट हमारे स्ट्रेट फेस पे फेंक के मारती है जो कि थोड़ा आउट फील होता है। आपको फील ही नहीं होता कि हम किसी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिल रहे हैं पहली बार, जबकि ओरिजिनल गांडीव के साथ वाले इंट्रो का ट्रीटमेंट आपको सिनेमेटिकली बानी के कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस समझाता है उसका इंट्रो देने के साथ ही। चेंज नंबर 16, नेक्स्ट हमें सम 80 के साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स के अंदर वाली बाकी की सब्जेक्ट मदर्स का इंट्रो दिखाया जाता है जब वो सब खाना लेके अलग अलग प्रेग्नेंट लेडीज के पास जा रही होती हैं। यहाँ पे कई दिन का शेड्यूल दिखाया जाता है रिपीटेडली, बट इन ओटीटी वर्जन इस रिपीटेटिव शेड्यूल को थोड़ा छोटा कर दिया गया है ट्रिम करके, विच इज ओके। चेंज नंबर 17, यहाँ पे जब सम 80 एक दूसरी प्रेग्नेंट लेडी के खाने में से एक एप्पल उठा के अपने पास रख लेती है तब उसको बाहर आके एक रेडर मिलता है जो उससे अपने लिए एक फेवर मांगता है थिएटिकल वर्जन में। यहाँ पे इस कन्वर्सेशन को भी थोड़ा छोटा किया गया है और इस रेडर के कुछ डायलॉग्स यहाँ पे ट्रिम हुए हैं, जैसे कि पहले वो समेटी से कहता है कि कभी हमारी भी सेवा कर दो भाई, लेकिन ओटीटी वर्जन में ऐसा नहीं है। चेंज नंबर 18, फिर मूवी में सुप्रीम यास्किन के इंट्रो वाले सीन के बाद हमें समेटी के कॉम्प्लेक्स के अंदर का एक सीन देखने को मिलता है जो कि वो एप्पल लेके अपने बेड की तरफ आ रही होती है। थिएट्रिकल वर्जन में ये सीन वाइड एंगल से शुरू होता है फिर एप्पल पे शिफ्ट होता है, लेकिन ओटीटी में ये डायरेक्ट एप्पल से ही स्टार्ट होता है एंड आई थिंक दिस वन इज बेटर, इसको सही किया है ट्रिम करके। चेंज नंबर 19, यहाँ पे हमें एक सीन में अपडेशन देखने को मिलती है। यहाँ जब बुज्जी एंड भैरवा इंट्रो फाइट के बाद उस रेबल बाउंटी को लेके जा रहे होते हैं मार्केट से, तो इस शॉट में ओटीटी वर्जन में ये जो लॉकडाउन साइन लगा हुआ है इस शॉप पे ये नहीं लगा था, थिएटरिकल वर्जन में ये बोर्ड ब्लैंक था, विच शोस की सीन की ब्यूटिफिकेशन का भी ध्यान रखा गया है एडिट में। चेंज नंबर 20, फिर जब हमें मूवी में भैरवा के लैंडलॉर्ड राजन का इंट्रो सीन देखने को मिलता है जहां पे काफी सारे लोग भैरवा से अपना उधार मांगने आए हैं, तब इस पूरे सीक्वेंस को थोड़ा ट्रिम किया गया है, काफी लोगों की हरकतें ट्रिम की गई है, इवन राजन के भी डायलॉग्स को बीच में ट्रिम किया गया है कुछ। चेंज नंबर 21, फिर इसी सीन में जब रॉक्सी
उसी का इंट्रो होता है। यहाँ पे भी कुछ शॉर्ट्स ट्रिम किए गए हैं। इवन जब राजन भैरवा से कहता है कि तूने लड़की से भी पैसे लिए हैं, तो भैरवा का डायलॉग कि फ्यूचर में लड़का लड़की सब समान है, ये पूरा चंग गायब है। इवन यहाँ पे एडिटर से एक मिस्टेक भी हुई है, आगे बताता हूँ। चेंज नंबर 22, यहाँ भैरवा का एक डायलॉग है थिएट्रिकल वर्जन में। वो रॉक्सी से कहता है कि फर्स्ट टाइम जब से तुमसे मिला हूँ तब से तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ हर वक्त। तो इस पे रॉक्सी का काउंटर डायलॉग आता है कि फर्स्ट टाइम तुम मुझसे कहाँ मिले थे ये बताओ। यहाँ पे एडिटर ने भैरवा के डायलॉग के स्टार्टिंग का वो पार्ट कट कर दिया है जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम कहता है। अब भैरवा का डायलॉग डायरेक्ट स्टार्ट होता है कि जब से तुमसे मिला हूँ तब से तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ हर वक्त। लेकिन इस पे रॉक्सी सेम काउंटर देती है कि फर्स्ट टाइम तुम मुझसे कहाँ मिले थे बताओ। लेकिन यहाँ एडिटर ने भैरवा का डायलॉग ट्रिम करके मिस्टेक कर दी, क्योंकि दोनों के डायलॉग्स में आने वाले शब्द फर्स्ट टाइम, ये दोनों एक दूसरे के काउंटर हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है समझने में, शायद नॉर्मल ऑडियंस को ना समझ आए, बट जो फिल्म मेकिंग से ताल्लुक रखते हैं लोग वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चेंज नंबर 23, एडिटर ने यही सेम मिस्टेक राया एंड अश्वत्थामा के इस सीन में भी की है। यहाँ जब अश्वत्थामा बाहर निकलने को होता है इस टेंपल से, तो राया कहती है कि कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। फिर जवाब में अश्वत्थामा पलट के देखते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं है। तो राया कहती है बट तुम हो कौन, यानी कि दोनों डायलॉग्स राया ही बोल रही है जबकि दोनों डायलॉग्स के बीच में कनेक्शन नहीं है। कहाँ जा रहे हो रुक जाओ, बट तुम हो कौन, इसकी जगह कहाँ जा रहे हो रुक जाओ और कौन हो तुम, ऐसा बोलना चाहिए था। ये एक्चुअल में इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पे राया के दोनों डायलॉग्स के बीच में अश्वत्थामा का भी एक डायलॉग था जो कि थिएट्रिकल वर्जन में भी ट्रिम कर दिया गया था, एंड यहाँ OTT वर्जन में भी सेम ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से राया के दोनों डायलॉग्स कनेक्ट नहीं कर पाते। हमने राया के साथ हुई पॉडकास्ट में बात की थी कि राया एंड अश्वत्थामा वाले सीन में से काफ़ी कुछ ट्रिम किया हुआ है। वो सीन ऑलरेडी काफी लंबा था, उसमें उन दोनों के बीच के बॉन्ड को डेवलप होते हुए दिखाया गया था। चेंज नंबर 24, भैरवा एंड रॉक्सी के कॉम्प्लेक्स के जनरेटर रूम के कुछ डायलॉग्स भी ट्रिम किए गए हैं, जहाँ पे भैरवा रॉक्सी से कहता है कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी है तो इंसानों की क्या जरूरत है। तो रॉक्सी कहती है कि इंसान सस्ते पड़ते हैं इसलिए, एंड आई थिंक इसको कट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये काफी डीप मीनिंग कैरी करने वाला डायलॉग था। चेंज नंबर 25, फिर भैरवा एंड रॉक्सी का कॉम्प्लेक्स में घुसने वाला सीन भी ट्रिम किया गया है थोड़ा थोड़ा कई सारी जगह से। एक शॉट यहाँ से गायब है, एक पार्टी में घुसने से पहले वाला लंबा चंक गायब है, और सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है जहां रॉक्सी अपनी लेबर वाली कॉस्ट्यूम उतार के बीच पे समुंदर में नहाने जाती है, वो पूरा ड्रोन शॉट जो दिखाता है कि ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स के टेरेस पे हो रहा है, ये जंगल, ये समुंदर, ये बीच, ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स के टेरेस पे है, ये पूरा शॉट उड़ा दिया गया है। अगेन इसको कट करने की कोई जरूरत नहीं थी, कॉम्प्लेक्स की सिग्निफिकेंस दिखा रहा था, ये शॉट बहुत खूबसूरत था। चेंज नंबर 26, फिर कॉम्प्लेक्स वाले सॉन्ग के बाद भैरवा को रेडर्स बाहर फेंकते हैं लाके, जहां पे वो कहता है मैं देख लूंगा तुम सबको, वो वाला सीन भी कट कर दिया गया है, विच इज ओके, उसकी जरूरत थी भी नहीं मूवी में। चेंज नंबर 27, इसके बाद अश्वत्थामा एंड रेडर्स की जो फाइट होती है वहां पे भी एक शॉट को ट्रिम किया गया है। वेल, तो ये तो थे OTT वर्जन में किए गए मेजर चेंजेस, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और माइनर कट्स लगे हुए हैं मूवी में, जहां पे कुछ शॉट्स के एंड होने के टाइम पे बस कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पहले ही कट कर दिया गया है एज कंपैरिजन टू थिएट्रिकल वर्जन। उनको मैंने स्पेसिफिकली इस लिस्ट में ऐड नहीं किया क्योंकि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। मोस्टली ये सारे चेंजेस फर्स्ट हाफ में किए गए हैं। खैर, तो अगर आपने कल की OTT पे देख ली है तो आप बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपको भी ये मूवी थोड़ी अलग लगी थिएट्रिकल वर्जन से, अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।